तेल अवीव शहर के डिज़ेगोफ स्ट्रीट इलाके में बृहस्पतिवार रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। निकटवर्ती इचिलोव अस्पताल के मुताबिक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की वजह का अभी भी पता नहीं चला है। इसराइल में हुई इस घटना पर दुख जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तेल अवीव में एक और घातक आतंकवादी हमले में 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हमले के मद्देनजर अमेरिकी एक बार फिर इजरायली लोगों के साथ दुखी है। ब्लिंकन ने कहा है कि हम इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और अपनी इसराइली भागीदारी के साथ नियमित संपर्क में बने रहेंगे। इसराइल के साथ हम अर्थहीन आतंकवाद और हिंसा का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। इस वारदात के कारण इलाके में भारी तनाव की स्थिति है। जिस इलाके में गोलियां चली वह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ कई रेस्टोरेंट और बार हैं। वारदात की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ स्थित सेना मुख्यालय में मौजूद प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पूरी स्थिति पर नजर रख रही हैं। इसराइल के मार्गन डेविड एदोम आपातकालीन सेवा का कहना है कि तेल अवीव के डाउनटाउन में हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि गुरुवार रात को हुई गोलीबारी में 3 से 5 लोगों के घायल होने की आशंका है। गोलीबारी के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि पवित्र रमजान माह से ठीक पहले फिलिस्तीनियों के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट IPN।